बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बकरीद की आमद आमद है और उसके लिए तरह तरह की कढ़ाइयाँ और तरह तरह की रेसिपीज़ बन रही हैं। आपके लिए हम लेके आए हैं मटन चंगेज़ी कढ़ाई। तो चलें, मटन चंगेज़ी कढ़ाई किस तरह बनती है, सबसे पहले हम करेंगे मैरिनेशन। मैरिनेशन में हमने लिया है 1 कप हमारे पास दही है, 1 टीस्पून हमने नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून हमने गरम मसाला डाल दिया है, 1 टीस्पून हमने डाल दिया है हल्दी, 1 टेबलस्पून हमने डाल दिया है कढ़ाई गोश्त नेशनल का, ये 2 क्यूब हमने डाले हैं, ये 2 लेमन के बराबर हैं। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर सिरका डालेंगे और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। ये हम 1 केजी मटन का बना रहे हैं। रेड फूड कलर हमने डाला है 1/2 टीस्पून। इस कढ़ाई का ताल्लुक चंगेज खान से बिल्कुल भी नहीं है, इसका सिर्फ नाम चंगेजी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये हमारे पास है 1 केजी मटन है हमारे पास, और इसको इसके अंदर डालेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक है और 1 टेबलस्पून लहसुन है। ये सारे मसाले हमने लगा दिए हैं, अदरक लहसुन भी लगा दिया है और इसे भी हम रखेंगे मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट। फ्रिज में बाहर मत रखिएगा इसको, फ्रिज में पूरी रात हम रखेंगे। चंगेज़ी कढ़ाई के लिए हमने 1 टेबलस्पून घी का डाल लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून हम डालेंगे कुकिंग ऑयल के। और व्यूअर्स, ये है हमारा चंगेज़ी मटन जो मैरिनेट किया हुआ था, ये वो है, हमने इसको फ्रिज से निकाला था और ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है और अब हम इसे इसके अंदर डालेंगे। और जो जितना मसाला है वो मसाला भी सारा इसके साथ ही इसके अंदर डाल दें। और अब देखें, अब इसे आपने भूनना है, इसे आप भूनेंगे, थोड़ा सा ये गर्म होगा तो ये दही का भी पानी है, गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा, तो ये इसी पानी के अंदर पक जाएगा। हमारा मटन जो है वो कढ़ाई में कितना खुश हो रहा है, ये देखें हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसे बिल्कुल हल्के चूल्हे पर 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस दौरान गोश्त भी अपना पानी छोड़ देगा, जो दही है उसका पानी भी आएगा, तो ये उसी पानी में गल जाएगा, हमने इसमें और पानी नहीं डालना है। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। ये देखें कढ़ाई का सारा पानी और गोश्त का पानी जो था वो सारा हो गया है, ये बिल्कुल खुश्क हो गया है और तकरीबन ये हमारा गल भी गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये 3 कटे हुए टमाटर हैं, ये हम इसके अंदर डालेंगे। हमें थोड़ी सी जो है हल्की सी ग्रेवी टाइप की भी थोड़ी सी मिल जाए, क्योंकि ऐसा सूखा अच्छा नहीं लगता। ये हमने इसके साथ मिक्स कर दिया है। अब हम करेंगे ये कि इसको दोबारा 1-5 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे ताकि ये टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। और ये देखिए व्यूअर्स, क्या तो शानदार हमारी चंगेज़ी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल हो गई है तैयार। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त। ये बहुत सूखी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा शोरबा भी नहीं है, है कढ़ाई और ये हो गई है तैयार। और भी बस ये है हमारे पास कुछ धनिया है, कुछ कटी हुई अदरक है और ये हरी मिर्चें हैं, ये इसके अंदर डालेंगे और मिक्स करेंगे। और अब हम डालेंगे इसके अंदर केवड़ा, जो इसके जायके को आसमान तक पहुंचा देगा। बस हम इसको करेंगे, ये देखें हमने मिक्स किया है ज़बरदस्त किस्म का और बस हो गया है, इसको हम डिश आउट करके आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए। और व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की डिश चंगेज़ी मटन कढ़ाई, उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इसे इस ईद के दस्तरखान में ज़रूर शामिल करेंगे, हमारी ये मटन चंगेज़ी कढ़ाई। ये देखिए कितने मज़े की लग रही है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायक़ेदार हमारी झटपट बनी है मटन चंगेज़ी कढ़ाई, उम्मीद है आपको पसंद आएगी और इसे ईद के मौके पे ज़रूर ट्राई करें। ये बकरीद स्पेशल की स्पेशल रेसिपी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इसे ट्राई ज़रूर करेंगी। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अगली रेसिपी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।